के बीच खेली गई ये 7 मैचों की सीरीज बेहद रोमांचक रही है। ओवर टाइम ले लिया गया है। इस अंतिम मुकाबले में दोनों ही टीमें 2-2 गोल पर हैं। और ये क्या, लीड्स के सेंटर राजवीर सिंह को सीधा पास मिला और वो ब्रेक अवे पर है। रेड लाइन पार कर चुके हैं। उनके और गोली के बीच में कोई और नहीं। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम। और तुम यहाँ सो रहे हो? और तू इतने अंडे देते जो रोज इतने आके सो जाता है? मैंने तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए झपकी ली थी। उत्तर याद रख, कामयाबी या आराम दोनों में से एक ही चीज मिलती है। और अगर तुम्हारे चाचे ने तुम्हें ऐसे सोते हुए देख लिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। कोई ना लायक, ये सब कुछ तेरा हो सकता है। बस एक बार चाचे को दिखा दे तू इसके लायक है। मुझे नहीं लगता ये नौकरी कहीं जाएगी डैड। ऐसा तुझे क्यों लगता है? कौन गधा ये नौकरी करे? राजवीर, क्या दिखता है तुझे यहाँ? ट्रक्स। थोड़ी और आंखें खोलो। हाँ डैड, मुझे कहना चाहिए, मुझे मेरा फ्यूचर दिखता है। मिस्टर दरवेश और मिस्टर राजवीर सिंह कृपया ऑफिस में आए। चल उन चलकर अपने चाचे नु जवाब दे। इतनी टेंशन क्यों लेते हो डैड? हर बार मैं तनु नहीं बचा सकता। अंकल सैमी बड़े कूल। अंकल सैमी, तू उनको जाकर बताएगा कि तू ट्रक में सो रहा था, तू इस बात के लिए शर्मिंदा है। ठीक है? ठीक है। सैमी चाचू। हे राजवीर, कम इन। भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चाचू, चाची जी, सॉरी मैं वो जरा। लो जी, बड़ी अच्छी खबर है, अपनी रीना की शादी हो रही है अगले महीने। और सोनू उसका मंगेतर टोरंटो आने के लिए तैयार हो गया है। वाहेगुरु की कृपा है जी। मुबारक है जी। मुंडा हीरा है जी, उसे मिलोगे तो खुश हो जाओगे। होनहार मुंडा है, स्टॉक एक्सचेंज के मामले में तो कांटा है। और अगला नंबर तेरा है राजवीर। मेरी जलंधर वाली भतीजी परफेक्ट है इसके लिए। तू फेसबुक पर उसका फेस चेक कर ले। मैरिज ब्यूरो बंद कर जसलीन। राजवीर की शादी तब करेंगे जब ये पूरी शिफ्ट की ड्यूटी करनी शुरू कर देगा बिना ट्रक में सोए हुए। सही कहा ना, गोरियों के सपने लेता है ट्रक में सोकर। मुबारक एक बार फिर जी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू पाजी। था अच्छा पास दिया तुमने। तुझे पास चाहिए कि गोल? 8-0 खोतिया। राज, आज से हम तुझे एक ही बजाय 2 खिलाड़ियों के बराबर मानेंगे। या एक और तरीका है, तू अपने स्टिक अपने मुंह में लेके खेल। अरे भाई ये तो नहीं होगा। इसकी जुबान बड़ी तेज है, इसके हाथों से कई गुना तेज है। सानू भी पास कर देगा यार। हीरो, देखो 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 यार, ये लोग कौन है? ए निकलो यहां से, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। ओए 10 मिनट बचे हैं अभी। ये तो हैमर हेड्स है। हैमर दी औलाद, चल परे यार, ये साडा इस टाइम है बड़े होए हैं। ओए तेरे को क्या खुजली है? कोई खुजली वुजली नहीं है, बस तुम जोकरों की आइस से जाने की वेट कर रहा हूँ। ए शाने पंगा मत ले। हाँ, इससे पहले कि मैं और पंगा लूँ निकल रहा यहाँ से। पंगा? हाँ पंगा तो साले तेरे बाप ने लिया तुझे इस दुनिया में ला के।
दो क्या? क्या दे? हाँ, क्या देगा? ओए स्मृति, देखना कहीं तुम्हारा एक खिलाड़ी मर्डन इस बार खून से मेरी आईज गंदी न करे। देखो मुझे पंगा नहीं लेना, मुझे सिर्फ गोल करने। राज के दो और गोरे का अंडा। गुड शॉट। चला जा, देख दे मेरा पंगा। छोड़ दे, रुको। ओए छोड़, बस। चलो अब हो गया। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? हम लोग आइस हॉकी की प्रैक्टिस करने आए हैं, जूडो कराटे की नहीं। हे कोच। हाँ। मैं ट्राई करूं? अच्छे प्लेयर्स हैं मेरे पास, तुम जाके कंचे खेलो। अरे कोच, बच्चे का एक चांस तो बनता है ना। या कोच, देखते हैं छोकरी में कितना दम है। और चक दे। ठीक है। यस सर, कम ऑन राज। ऑन राज, शाबाश शाबाश। और पास कर चल। ओए थे दे ओए। ओए ओए। राज अच्छा खेल रहे हो तुम। मैं आधे घंटे से तुम्हारी वेट कर रही हूँ, तुम्हें साथ चलना है या नहीं? हाँ चलना है, मैं बस इस इंडियन प्लेयर को खेलते देख रहा था, ज्यादा बुरा नहीं है। ले चार शीशा। ओए। ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ए! ए! देखा, कहा था ना ये उनसे कोई कम नहीं है। ओके हो गया बच्चे, चलो सभी बस करो। बच्चे के लिए इतना ही काफी था। दिमाग गर्म है। हे कोच, बस हो गया, दैट्स इट। हाँ हो गया। सबसे अच्छा खिलाड़ी तो मैं ही था। हमारा फाइनल मैच देखने के लिए तुम्हें टिकट भिजवा दूंगा। बुरा मत मानो, वैसे भी इस टीम के लायक नहीं हो तुम। गुड प्रैक्टिस गाइस। हम देसियों की इस रिंग पे कोई वैल्यू नहीं है राज। छड़ यार, नुकसान उन्हीं का है। मिलते हैं। मिलते हैं शेरा। बेशरम लोग, लेकिन तुम बहुत अच्छा खेले। तो तुम देख रही थी। बकवास। तुम बकवास हॉकी को बोल रही हो, मुझे नहीं ना। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, वो सरेआम तुम्हें जलील कर रहे थे। अब तो आदत सी हो गई है। कैनेडियन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में ऐसे किसी बर्ताव के खिलाफ रूल्स हैं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? कसम से तुम गुस्से में लाल होकर और भी सोनी लगती हो। ओ, तुम कोई वकील शकील हो क्या? लगभग, मैं लॉ पढ़ रही हूँ। ठीक है, कभी इस बेचारे गरीब को बचाने का मन करे तो मैं इधर ही मिलूंगा। पिछोड़े पर लात खाता हूँ। आपकी तारीफ। मेरा भाई द ग्रेट डैन विंटर्स, सुना होगा तुमने, किसी साल के किसी सीजन के कुछ दिन ये रेड विंग्स के लिए खेला था। कुल चार मैच। मेरे ख्याल से तुम अच्छा खेल लेते हो। थैंक्स। जब जब शीशे की पप्पियाँ नहीं लेते, उन्हें अपना इतना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए था। सुना वकील साहिबा, अगली बार आप मुझे बचा लेना। अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता तुम मेरी फीस दे पाओगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं। और इनमें से आप? आपका नया दोस्त राजवीर। तुमने ढूंढ ढूंढ कर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी मलिस। नहीं, पर तुम कब से मेरे पाप बन गए? जब से तुमने राह चलते लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मशवरे के लिए शुक्रिया, पर एक बात तय कर लेते हैं, मैं तुम्हारे घर में सिर्फ किराएदार और तुम मेरे परेशान भाई। ठीक है, पर ये फालतू की दुनियादारी कम करो जरा। कौन मर गया और लाश कहाँ है? गुरवीर, इतनी जल्दी काम छोड़कर क्यों चले गए थे? हमारी हॉकी प्रैक्टिस थी, आपको बताया तो था। माँ, आज तो मजा आ गया। आज मैं हैमर हेड्स के साथ खेला। अरे वो एक चैंपियन टीम है, चार सालों से हंडाई कप जीते आए हैं। तुम्हें टीम में ले लिया? नहीं, उन्होंने लिया तो नहीं। नहीं लिया टीम में, लेकिन मैं तो अभी से रिटायर होकर मियामी में सेटल होने की सोच रहा था। मुकाबला बराबर का था डैड। मुकाबला? लवलीन, जरा अपने पुत्र से पूछोगी कि इसकी डिक्शनरी से काम शब्द कहां गायब हो गया? बेटा, इनके कहने का मतलब है, इनको बताइए अगर मैं क्रिकेट खेलता तो ये मेरे हर शॉट पे पंगड़ा पांदे। देखिए, इसे लगता है इंडिया क्रिकेट का बादशाह है, करोड़ों लोग देखते हैं क्रिकेट। इससे पूछ, इंडिया में कोई आइस हॉकी जानता भी है? देख बेटा, डेड हॉकी। इनसे पूछिए
कनाडा में कौन से चैनल पे क्रिकेट आता है? इससे पूछ। अब मेरी गर्दन थक गई है, हम लोग खाना खाएं? जी हाँ। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा वो बच्चा, इसे तो मैं जानता ही नहीं। जिसने बाल कटवा लिए जुकाम पर सो जाता है। माँ, डैड को बोलो प्यार से बोले, नहीं तो इनका बुढ़ापा किसी आश्रम में। राज, $8 लेकर आया था मैं शहर में, अपने भाई को पढ़ाया लिखाया और उसने उस $8 को $8 बिलियन में बदल दिया। मैंने उससे कुछ नहीं मांगा सिवाय एक नौकरी के और इस बात के कि अगर मेरा बेटा इस लायक हुआ तो ये बिजनेस वो चलाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मैं हूँ ना आपके पास, मैं तो हूँ भी अच्छा बेटा। ए, चुप बैठ। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें ये लगता है कि तुम आइस हॉकी खेलोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिकर नॉट डैड, हॉकी स्टार के बाप होकर आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, फिर आराम से बीच पर बिकिनी कॉन्टेस्ट। बंद कर, बहुत हो गया। आज के बाद तू अपने काम पे ध्यान देगा और अपने फ्री टाइम पे गुरुद्वारे जाकर कार सेवा करेगा। ये हॉकी आज से बंद, समझे? आज से हॉकी बंद। आपने मुझे कभी खेलते हुए देखा ही नहीं और मैं देखना भी नहीं चाहता। मैं उसके रसमलाई खा सकता हूँ? चुप करके रोटी खा। तुम ठीक हो पाजी? हाँ यार, डैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, शेर पुत्र है तू उनका। और तू कितना नाटक करता है। मैं तो आपको बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ऐसा मत करो। ओए मोटू, बेटा प्लीज अपना खाना खत्म कर, भूख मारी गई है माँ। पुत्र तो अपने डैड को समझने की कोशिश कर, मानती हूँ वो थोड़े जिद्दी हैं, पर जब तूने अपने बाल कटवाए वो चुप रहे। जब तूने यूनिवर्सिटी छोड़ दी उन्होंने सैमी चाचा जी के यहाँ तेरी नौकरी का इंतजाम किया, तो तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बेटा। प्लीज अब खा ले मेरा प्यारा बेटा। अपनी खुद की टीम? हाँ। कबड्डी 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 कब जीत सकते हैं? क्या बोल रहा है यार तू? तेरा कुछ दिमाग शायद गुल्ली डंडा का कार्टून फिल्मा बहुत देखता है यार। राज, हम बच्चों की हॉकी खेलते और वो भी बेकार। कॉन्फिडेंस रखो यारो, हम हैमर हेड्स की बैंड बजा देंगे, क्या बोलता है? ठीक है तो सुन, वो हमसे स्मार्ट हैं, तेज हैं, तगड़े हैं। प्रभा चिट्टे गोरा गोरा रंग होना था देखे। हाय गाइस। हाय रीना, तुम जानती हो मुझे? बाय बाय। यार रीना कितनी मस्त है। साले वो मेरी कजन है यार, जब भी मैं इसे न्यूज में देखता हूँ ना मैं इसका माइक्रोफोन बनना चाहता हूँ। उसकी मंगनी हो चुकी है। कोई बात नहीं, और वो तेरे टाइप की भी नहीं है। मेरा टाइप क्या है? चालू टाइप। हे, ओ फट गई। राजवीर हम जा रहे हैं। फिट है ना सब? ओए बेवकूफ, तैयारी कर लो। रीना भरोसा रख यार। मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हमारा मजाक बनने वाला है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हंडाई कप की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हारने की? क्या लगता है कि हम हारने वालों में से हैं? तुम्हें क्या लगता है? इस टीम का कोच मैं हूँ। वाह, इन्हें खिलाकर तो तुम जरूर कोच ऑफ द ईयर बन जाओगे। सो फिर हम क्या करें? हमसे तुम्हारा मतलब? अगर तुम जानते हो कि कोच ऑफ द ईयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो हमें भी सिखाओ ना। हे गाइस, सब इधर आओ, मेरे पास आओ जरा।
देवे तू फिर पद मारे। और कैसा चल रहा है? जी हम एकदम ठीक है, एकदम फिट। तुम्हारा नाम? सिंह, देवा सिंह। तुम्हारा? इंद्रजीत सिंह। तुम्हारा? जस्सी सिंह। तुम भी सिंह? ठीक सुनो राजवीर, हम सब सिंह हैं। तुम सब इतने सारे सगे भाई हो? ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ओके तो सिंह, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आइस पे जाओ मजे करो और हार जाओ, या फिर तुम चुस्त होकर कुछ हड्डियां तोड़वाओ और खुद को एक चांस दो। हॉकी दो तरह की होती है, एक तो वो हॉकी जो गली में खेली जाती है और एक असली हॉकी जिसे पूरा कनाडा देखता है, वो जिस आइस पे खेली जाती है वो राजवीर के गालों से भी मुलायम। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग खेल भी सकते हो नहीं, पर ये कैसे पता करना है ये मुझे आता है। ये बर्फ साफ करने वाला नहीं है? लगता तो वही है। हमारा स्पीडी सिंह। अच्छा स्वीडी, लेकिन अभी निकले यहाँ से, अभी प्लेन से उतरा हूँ, थोड़ी थकान तो दूर कर लें। सोनो, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कहाँ भागे जा रहे हैं? हम इंडियंस लेट हो सकते हैं, चिंता छोड़ो। एक मिनट, टीवी स्टेशन से फोन है। हेलो देसी तड़का, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कोई कड़ी पकौड़ा टिंडा पेठा भिंडी का शो नहीं करूंगी। तो पुत्र जी, जब आप मेरी कंपनी के ड्राइवर बनने जा ही रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि करना क्या है। औरत जैसी नजाकत होती है ट्रक में, इसके साथ प्यार से तरीके से पेश आते हैं, उससे टिचम टिच रखो, सुर्खी बिंदी की कमी ना आने दो, पर हमेशा हमेशा सेफ होके चलो। आपका मतलब है सीट बेल्ट ना? राइट चाचू। ओके चल, इसका कोई नाम रख। मलिसा। मलिसा अच्छा नाम है। नहीं यार, नाम पंजाबी होना चाहिए। अच्छा ये कैसा रहेगा, मनिंदर? चंगा है जी। हेलो मनिंदर। चल फिर बंदे दा पुत्र बन, ऐसे हैंडल करते हैं औरत को? सब पता चला पुत्र, क्यों नहीं है तेरे को गर्लफ्रेंड? इसे रेस दो जरा। चलो बस बन गई। पिछली बार मेरे पेट में इतनी जोर से गुड़गुड़ हुई कि रिकॉर्ड के कान फट गए। अरे कान चाचू, जबरदस्ती वाली बात हो गई। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। बोला ना मैं आ रही हूँ, जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर। ये क्या सोनू, मेरे डैड को मिलने के डर से तुम तो बुरी तरह से बौखला रहे हो। तसल्ली रखो, वो तुम्हें पसंद कर लेंगे। हेलो जी, तूने मेरी भतीजी को फेसबुक पे पोक किया कि नहीं? तू पोक करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। आज ये देख, मेरे पास उसकी फोटो भी है। मिस पंजाब, थर्ड रनर अप। क्या चाची जी, सिर्फ थर्ड? जीत तो वो जाती अगर दूसरी कुड़ियों के वहाँ के जजेस के साथ टॉस के ना भिड़े होते। अरे क्यों चुप रहूँ? सुनिया मैंने, स्कूल में सबको बताऊंगा। बेटे नहीं। लो जी सब हैंड दो प्लीज। ओह ये है मेरा सोनू। हेलो। ये है मेरे बड़े भाई साहब दरवेश सिंह जी, भाभी लवलीन जी, और ये दो इनके प्यारे बच्चे गुरवीर और राजवीर सिंह। हे कैसे हो? कितनी ताकत, ट्रक उठाते हो क्या? खली को हराओगे? शैतान कहीं का। हे राजवीर, रीना से बहुत सुन रखा तुम्हारे बारे में, यही बुलाते हो ना तुम? इसको रीना बुलाते हो और मैं सोनू की सोन पापड़ी। और क्या ट्रक चलाते हो, आज तो पता नहीं कैसे बचे हम। अगली बारी कोशिश पूरी करूंगा। बहुत अच्छे, अच्छा लगा तुमने फैमिली बिजनेस के लिए कॉलेज छोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि पढ़ाई छोड़ने वाले ही कामयाब होते हैं। अरे सोनू बेक, तेरे होने वाली बोटी। अरे यार सच्ची जैसे तेरे पे जच रही है। खास फ्रांस से मंगवाई थी मैंने। ओह फ्रांस, जाने माने हुंडई टूर्नामेंट में पूरी पंजाबी टीम भेजकर टोरंटो की इंडियन कम्युनिटी ने कनाडा के राष्ट्रीय खेल में अपनी जगह बना ली है। मैं SIN से रीना सिंह। वाह क्या सुंदर लग रही हो। राजवीर तू भी खेल रहा है ना? राजवीर ने हॉकी छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब उसे लाइफ में और जरूरी चीजों पर ध्यान देना है, जैसे अपने चाचा जी का बिजनेस सीखना है ना राजवीर जी। डैड
वाह कमाल का प्लान अंकल, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो इसके लिए। चलो यार रोटी खा के आकर। एक्सक्यूज मी। लो जी डॉक्टर यार। मैंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है, हो सकता है इसके सर पर चोट लगी हो। भाई शक्ल से तो तुम कैटरीना कैफ ही लगती हो। मुझे क्या तकलीफ है यार? हल्का सा जो मैंने मारा है यार। ओके घबराओ मत, लेटे रहो, एक दिन ठीक हो जाओगे तुम। सांस लो, गहरी सांस लो। पपिया लेने का शौक नहीं है मुझे। ओठ यार। मैं तो तुझे यार नकली सांस दे रहा था बस। इसे इसे ऐसे ठाके ले जाओ। आज महल कहाँ गया? म्यूजिक बंद हो गया क्या? क्या हो रहा है? पिछले जनाब यहाँ पर और गिरे जाकर सीधा बॉलीवुड में। सोनियो, I love you। लगता है तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। सॉरी यार बार कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। शर्मिंदा मुझे नहीं खुद को कर रहे थे तुम। अब कैसा फील हो रहा है बोलो। मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं हॉकी प्लेयर्स को डेट नहीं करती। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं एक ट्रक ड्राइवर भी हूँ। पर मैं उनको भी डेट नहीं करती। तुम्हारे लिए दोनों छोड़ दूंगा। काम छोड़ने वाले को तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे ख्याल से लॉकर रूम सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। कार में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अब कैसे हो तुम राज? राजविंदर? राज ही काफी है। आपकी बहन की प्रॉब्लम क्या है? अपना खबरची समझ रखा है मुझे। तो क्या सोचा आपने कोचिंग के बारे में? पगड़ी पहने हुए 10 बंदे, 10ों का नाम सिंह है, जिनका पहला नाम मैं ठीक से बोल नहीं पाता, जो ठीक से स्केट नहीं कर पाते, खेलना तो दूर की बात। इससे बदतर और क्या होगा? चमत्कार होगा अगर हम पहला राउंड भी ठीक से खेल जाएं। क्या आपने कहा हम? हाँ जब किस्मत में ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या मतलब? वरना ऐसे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में क्यों होती? ज्यादा फैलो मत। मेरी एक सहेली इस जगह की बहुत तारीफ करती है और क्योंकि मैंने कभी इंडियन खाया नहीं तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए। तुम्हारा सर कैसा है? वहाँ रिंग में थोड़े हिले हुए लग रहे थे। अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो बिल्कुल ठीक। राजवीर कैसे हो बेटा? घर में सब ठीक है? हाँ जी पटेल साहब सब ठीक है। मलिसा से मिली? पहली डेट? जी बिल्कुल नहीं। चलो हाँ ही मान लेते हैं। अच्छा वो ठीक सुना, मैं हॉकी प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल? तुम अपनी वो टीम में हो ना जिसके बारे में तुम्हारी बहन टीवी पर बता रही थी? नहीं नहीं। हाँ तुम हो, तुम ही तो कैप्टन हो। कैप्टन हो कि नहीं सोच लो, हो तो आज का बिल माफ। बिल माफ? हाँ हाँ मैं ही तो हूँ कैप्टन। ठीक सुना आपने। तो फिर क्या खाओगे कैप्टन?
इजाजत हो तो ऑर्डर करो। ओके, शुरुआत करते हैं चिकन टिक्का से। अच्छी चॉइस। तंदूरी झींगा और मिक्स पकौड़े। अच्छा। साग पनीर, गोट करी और एक चिकन बिरयानी भी। जीओ, जीओ। कुछ ना, गार्लिक और बटर और थोड़े से चावल और इनको शांत रखने के लिए रायता। आपके लिए कुछ जी? नहीं। हो जाएगा इतने में। पूरी टीम के लिए ऑर्डर कर रहे हो क्या? मुझे तो लगता है ये भी ना कम पड़ता है। अच्छा, तुम मुझसे छुपा क्यों रहे थे कि तुम टीम में हो? मेरे डैड को इस खेल से जरा चिढ़ है। क्यों? तुमने कभी ध्यान दिया मैं बाकी टीम से अलग दिखता हूँ? हाँ, वो लोग पगड़ी पहनते हैं और तुम नहीं, पर इसमें बड़ी बात क्या है? जो लड़का सिख फैमिली में पैदा होता है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई सिख लड़का अपने बाल कटवा लेता है तो गुस्सा आता था जब लोग मुझे नहीं मेरे सर पर रखी चीज को देखते थे। 12 साल का था जब कुछ लड़के मेरी गली पे हॉकी खेल रहे थे। इस शर्त पे वो मुझे खिलाने को तैयार थे अगर मैं गोली बना, तो मैं खेलने लग गया और थोड़ी देर में गेम ये हो गई कि कौन मेरे सर से पगड़ी गिरा दे। मेरी नाक टूट गई, दोनों आंखें काली पड़ गई। तो इसलिए तुमने बाल कटवा लिए? कह सकते हैं। अब ये क्या है? ये कैप्टन के लिए मैंने बनाया, स्पेशल है। वाह, मुंह में पानी आ गया। तुम भी लो ना। तुम शुरू करो। ओके, ठीक है। नहीं, क्या हुआ? ठीक तो है, क्या हुआ? पानी पी लो। पटेल साहब, पटेल। पेपरमिंट। अच्छा, मेरा मुंह जलाने के बाद अब मुझे पटाने की तैयारी कर रहे हो? मैं तुम पे कोई लाइन नहीं मार रहा हूँ। hey, अभी तुम ठीक हो ना? क्योंकि तुम पटेल पर ह्यूमन राइट्स का केस कर सकती हो। वैसे इंडियन खाने का मजा चखाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, तो अगली बार चाइनीज चलेगा? गुड नाइट। हाय। ओ, कोई मसाज कर दो मेरी यार, लगता टूट गई है यार। कोई जोश नहीं है तुम लोगों में, इससे ज्यादा जान तो लोग शतरंज खेलने में लगाते हैं। दोस्तों, मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि चेस टूर्नामेंट में कोई हिलना डुला नहीं होता ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बेइज्जती करवाते हो तुम लोग मेरी वहाँ। अब से आइस पे और ज्यादा टाइम रहेंगे और मुझे तुम लोगों से और कमिटमेंट चाहिए। कोच, हम लोगों को अब सही यूनिफॉर्म चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे भिखारियों की टीम खेल रही है। क्यों इंद्रजीत? अरे भाई, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं यार, देखो इतना रेड कलर, डिजाइनर है। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग 2 टके के कबाड़ी लग रहे हैं। तो अगर किसी के पास भी पैसा है और हम बेउम्मीदों के लिए थोड़ी दया है तो यही टाइम है। क्या बोलते हो, स्पीडी सिंह्स चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सोनू, क्या लगता है मुझे इस पंजाबी हॉकी टीम में पैसा फूंकना चाहिए? ये तो देखना पड़ेगा कि मिस्टर सिंह का आरओआई क्या है। इन्वेस्टमेंट पे मुनाफा। देखो, सीधी बात ये है कि बिना बिजनेस प्रपोजल के हम लोग कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, इसलिए अकल है भाई तुझे। जी थैंक यू अंकल जी। अपनी कम्युनिटी का साथ देने में ये मुनाफा कैसा? और देवा की टीम का नाम होगा स्पीडी सिंह्स, मस्त है ना? ओ, स्पीडी सिंह्स। नाम में दम तो है भाई। ठीक है, एक फंडरेजिंग पार्टी करते हैं और बाकी के सब पैसे मेरी तरफ से। पता, जब देवा अपनी टीम के लिए मेरे पास भीख मांगने आया तो मैं समझ गया कि इस आइस हॉकी की दीवानी इंडियन कम्युनिटी पे पैसे लगाने से काफी फायदा होगा। तो बस समी से बोला, चलो ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहाँ फायदा होगा। और ये देखो, आज मेरी वजह से कितनी रौनक है। प्लीज प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। आ गया और पैसे मांगने। हे भाई, कुछ खा लो, इतना फालतू बोला, भूख तो लगी होगी। देखो, हमारी बनती तो नहीं, लेकिन जल्दी हम एक परिवार होंगे। रीना तुमसे शादी करेगी तब ना? क्या मतलब? पागल है, पता नहीं क्या देखती है तुझमें। राइट, अच्छा था, अगर ये बात है तो हम दोनों भाइयों की तरह रहेंगे।
सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि मैं मालिक का होने वाला दामाद हूँ। क्या मतलब है? जीजा जी के नीचे काम करना होगा, पंजाबी हॉकी के दीवाने। गुड लक ब्रो। सही बोला। जमीन पे टिके रहो यार। कोच विंटर्स, हे आपसे पहले मिला हूँ ना। तुम सिर्फ अपने गेम पर ध्यान दो तो बेहतर। शराब ने डेगना पाई के ते रीना तेरी माँ टल्ली होगी, इसका ध्यान रख लेना। इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों जमा है? अंकल सामी, हे क्या हाल है भाई? आइए अपना इंद्रजीत। इंद्रजीत कैसे हैं? मौज हो रही है भाई। अंकल सामी ये हमारे कोच हैं, डैन विंटर्स। हाँ जी कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये मेरी बहन है मेलिसा। हाँ जी कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये मेरी बहन है मेलिसा। गुड टू सी यू। मिस्टर सिंह स्पीडी सिंह ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं और इस इवेंट के स्पॉन्सर भी हैं। और ये है इनकी लवली वाइफ। हेलो। और ये है इनकी खूबसूरत बेटी रीना। हाय कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, मेरा मुंह ऊपर है मेरे ख्याल से। बाय द वे तुम्हें मिलके बहुत खुशी हुई मिस्टर विंटर। हमारी खुशकिस्मती है, आपका सपोर्ट तो हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। और आपका भतीजा तो हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। राजवीर वो भी है टीम में? नहीं नहीं वो तो नहीं है, खेलने वाली टीम में नहीं है। वैसे ही जैसे वो कहते हैं ना स्पोर्टर, वैसे टीम में है। स्पोर्टर है टीम का ये मतलब था इनका, उसे तो खेलना तक नहीं आता है। आप चिंता छोड़ दीजिए, वैसे मैं गोलकीपर हूँ। मैंने सुना है तुमने अपने हर इक्विपमेंट पे मेरा नाम लिख रखा है। ओ तो तुम्हें पता है इस बात का? हाँ? अच्छा और बेटा। जी मम्मी। हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो। अच्छा? हाँ हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें तुम पे बहुत नाज है। मुझे हमेशा पता था कि तू अपने दोस्तों के जैसा नहीं है, वो फिजूल के खेलों में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा था ना लवलीन, एक ना एक दिन इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। पापा सुनिए ना। प्राउड ऑफ यू। ओह मोनिका एक मिनट पुत्र, मैं भी जरा डांस का मजा ले लूं। मलेशिया क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? एक डांस हो जाए पहचान भी हो जाएगी। मैं बहुत खराब डांसर हूँ। चलो मैं सिखा देता हूँ। काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, खुश हो ना तुम? टीम को अच्छी हेल्प मिल जाएगी। हाँ वो तो है। सो फिर कब मिल रही हो आपसे? क्यों इस बार ठीक से दिखाई नहीं दे रही हूँ? मेरा मतलब है बस हम दो। पर फिलहाल हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, वो तुम्हारी फैमिली है। हाँ तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इस भरी महफिल में सिर्फ वही लोग हैं जो मुझे आंखें फाड़ के देख रहे हैं। और मेरी आंखें देखी, तभी तो पता चला कि वो तुम्हारी फैमिली है। कैसे जानता उस गोरी को? ये गोरी? अरे वही गोरी जिसके साथ ऐसे डांस कर रहा था जैसे खुद की शादी में नाच रहा हो। ओ वो गोरी लड़की। पता है उसे मैंने आइस हॉकी नहीं खेलने दी ना, उसकी सजा दे रहा है वो। मतलब गोरों का खेल गया तो गोरी लड़की आ गई। कौन सी आवारा गर्दी कर रहे थे, बस डांस ही तो कर रहे थे। हमने भी तो एक बार डांस ही किया था, दो बच्चे हो गए। इतना ही नहीं, पटेल ने बताया किसी गोरी लड़की के साथ रेस्टोरेंट गया था जिसने भैंस की तरह खाया था। अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। हाँ जब वो गोरी चुड़ैल से शादी कर लेगा तब पता चलेगा क्या है बेकार की बात। टाई नफरत है टाइया तो खोरकी की हेट कर दम इत एप्पल पाई ओकी बनाओ द पीनट बटर ओ, तेरी ओ, ओ, खोल। Hey, ये कहां से आ गए? ये हमारा प्रैक्टिस टाइम है। ओह, शायद मैंने डबल बुकिंग कर दी। ओह कोच आपने जानबूझ के किया? आज नहीं तो कल हैमरहेड्स के साथ तुम्हें खेलना ही है तो आज क्यों नहीं? देखते हैं कितनी जान है तुम्हें। मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है क्या? अगर इतना ही भरोसा है तो जाओ साबित करो अपने आप को। अब जाओ सुपरस्टार।
ठीक है चलो देख लेंगे आज। हे टर्मिनेटर, थोड़ा तरस करना हम पर। ठीक है कमीने। बहुत हुआ, तुम लोगों के साथ खेलकर अच्छा लगा। यहाँ लाओ इसको। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ देवा। सॉरी यार कि तुझे चोट लगी, लेकिन अगर नहीं लगती ना तो वो अभी तक हमारी रेल बना रहे होते। पता नहीं यार ये क्यों चलते हैं। ठीक है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस था। अच्छा मुझे, हम लोगों का तो यार कचूमर निकल जाएगा। हमें हेल्प चाहिए, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। एक मिनट दोस्तों, मुश्किल क्या है मैं बताता हूँ। हमें कुछ हट्टे कट्टे बंदे चाहिए। ओ माय गॉड, ये है कबड्डी, इंडिया का जबरदस्त स्पोर्ट। ओह, ये तो कुछ सुमो रेसलिंग जैसा लग रहा है। एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन समझाना मुश्किल। लेकिन इसलिए हम यहाँ नहीं आए। निकू सिंह, हम लोग बचपन में हॉकी खेलते थे। पूरा हाथी है, बस यही चाहिए। अंकल जी। हाँ सोनू, सर ने आपसे रोड शेड्यूल का अप्रूवल लेने के लिए बोला है। राजवीर को उसकी पहली ट्रिप पर देख के अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है, मुझसे जो होगा करूंगा। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हाय पापा, सॉरी लेट हो गया। खोतिया, कभी तो टाइम पर आया कर। ये ले। लो जी आ गया अपना हीरो। हे, कैसा लगा गुरुद्वारे जाके? गुड, बहुत अच्छा। हाँ टी, खाने की खुशबू तो कमाल की है। थैंक यू। रीना को भी खाना बनाना सिखा दीजिए, शादी से पहले सीख जाएगी तो अच्छा रहेगा। सब नोट कर रही हूँ सोनू, कभी भी टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ते। इन सबको वो खुशखबरी सुनाई? खुशखबरी? वेल, अपने शहर में अक्षय कुमार आ रहा है शूटिंग के लिए। और मैं उसका इंटरव्यू लेने वाली हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा लड़का है, फैमिली टाइप बंदा है। ओ बल्ले बल्ले सोनू, ये हीरो रीना को उड़ा के ना ले जाए। कैसे उड़न खटोले पे? बियर लोगे बेटा? हाँ क्यों नहीं। ओ नहीं ताऊ जी, सोनू को बियर दारू कुछ नहीं, दो पैक पीते ही झूलने लगता है बच्चों के जैसे। हाँ और दिमाग से तो बच्चा ही है। राज सर चाहते हैं कि तुम अपनी पहली रोड ट्रिप पे जाओ। आज रात तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो, एक जरूरी पैकेज वापस भेजना है। अच्छा, पैकेज में तुम भी जा रहे हो? ठीक कह रहे हो तुम, जरूरी पैकेज तो मैं हूँ, पर मुझे वापस भेजना तुम्हारे बस की बात नहीं। चिंता मत करो, कुछ इलीगल नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राजवीर, कोई ढंग की जिम्मेदारी तो मिली तुम्हें। चलो इसी बहाने तुम्हें ट्रक चलाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सुन प्लीज, राज की टांग खींचना बंद करो। सैमी चाचू। हाँ बेटा बताओ। एक मिनट, जरा गल करनी सी। हाँ बोलो। मैनू लगता है स्केड्यूल दे विच कुछ गड़बड़ है। पापा कह रहे थे आज रात न्यूयॉर्क जाना है, लेकिन मैं तो ऑफिस में बोला तो था तुम्हें शेड्यूल में नहीं डालना। अगर न्यूयॉर्क जाओगे तो हॉकी कैसे खेलोगे? कब से पता है आपको चाचू? तभी से जब तुम अपने दोस्त देवा के साथ मेरे पास आए थे। वैसे फैमिली को बता देना चाहिए था तुम्हें। आप जानते हैं पापा को, मैं उनको कैसे बताऊं? वो तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहते हैं राजवीर। लेकिन वो मुझे समझते ही कहाँ है। नफी जी, टेंशन न लो, जाओ तो चक दो फटे। थैंक्स चाचू, पहला गोल तुम्हारे नाम दा। गोल अपने डैड के लिए करना। लव यू बॉय। चाचू इज द बेस्ट।
हाय मॉम, आज मेरा डिनर बाहर है, ओके? हाँ जानती हूँ, इसीलिए आलू के पराठे पैक कर दिए हैं। और ठीक है ना? आज की रात बहुत खास है तुम्हारे लिए, न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा लगेगा, बिग एप्पल। तो बसंती को पहली बार रोड पे ले जा रहे हो। आज भी मुझे अपनी पहली ट्रिप याद है। बसंती का ख्याल रखना, बहुत बढ़िया ट्रक है। ओके श्योर, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। मैं गले से लग जाए। आज बहुत खुश है ये तुम्हारे लिए। कब रखा? अच्छा जी, चलता हूँ, थैंक्स, बाय। बहुत खुश हूँ मैं आज। राइट बॉयज, अरे बस बस बस, मामला शुरू हो गया है और तुम लोग तैयार जी जान से खेलना। कोच, गिव अस अ सेकंड। ठीक है, आइस में मिलते हैं। ठीक है कोच। राज, क्या है? अरदास कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हें ही जरूरत है। बोले सोने हुंडई कप के पहले दौर के मुकाबले में आप सबका स्वागत है, जहां आज स्पीडी सिंह्स की टक्कर है कैलिबर से। टक्कर दो फटे सरदारो। वो जो सामने हेलमेट वाला खिलाड़ी है वो राजवीर नहीं? तूने आप पहचाना उसे लल्लू? लवलीन, ये बाबा जी की तस्वीर याद है? मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता था, बाबा जी ने कितनी मेहर की है हम पे। मैं सोच रहा हूँ राजवीर को ये तस्वीर दे दूँ उसके न्यूयॉर्क जाने से पहले। हाँ तो जाकर दिया ना उसे, वो अभी निकला नहीं होगा। हाँ मैं भी चैन से सो पाऊंगा अगर बाबा जी उसके साथ होंगे तो। जाओ दिया उसे और मेरा प्यार देना, कहना घड़ी ध्यान से चलाए जरा। कह दूंगा। राजवीर, ये बाबा जी की तस्वीर ना लेके जा न्यूयॉर्क। और ये पहले दौर का मुकाबला है स्पीडी सिंह्स और कैलिबर्स के बीच। डैन विंटर की वो तो आए नहीं आज। काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और डैन विंटर अपनी टीम को लेकर काफी उत्साहित है। अब देखते हैं कि ये टीम दर्शकों की उम्मीद पर कितना खरी उतरती है। सिपासा को पास और ये शानदार गोल कैलिबर के लिए सेकंड पीरियड में। कम ऑन बल अप। इस फाउल के साथ स्पीडी सिंह्स के निक्कू सिंह को 2 मिनट की पेनल्टी। ठीक है, मैं जीतना चाहता था पर हम अच्छा खेले, हमने दिखा दिया कि हम भी हैं। बहुत कुछ दिखा दिया। कुछ कहना चाहते हो सुपरस्टार? हाँ, गेम में मारपीट क्यों? हाँ, इसी ने हमारी इज्जत बचाई है और उन्हें जता दिया है कि हमें खेलना आता है। इज्जत? इज्जत सिर्फ जीतने से मिलती है। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम कैप्टन हो और मैं कोच। ये है कोच का गेम प्लान, एक स्टूपिड पेनल्टी। बिल्कुल नहीं, इससे भी आसान प्लान है मेरा, जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगे। ओ, ये ठीक है। अच्छा खेला, थैंक्स। ओए, मुझे लगता है तुम मेरे भाई के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हो। हाँ ठीक बोला तुमने, तुम्हारे चेहरे पे वही टेंशन दिखने लगी है। चेयर अप कैप्टन, तुम अच्छा खेले। थैंक्स, तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए ना। हाँ, पर टीम के वकील होने के नाते स्पीडी सिंह्स के सारे मैच देखना जरूरी है। अच्छा वकील साहिबा, मुझे अपने कोच के अगेंस्ट केस दर्ज कराना है। उस पेनल्टी की वजह से अपसेट हो। तुम्हें कैसे पता? आइस हॉकी अच्छी तरह समझती हूँ, डैन के हर मैच में उसके साथ होती थी। कुछ बात थी उसमें? वो सेकंड रेटेड था NHL में, अच्छा स्केटर, अच्छा स्टिक हैंडलर, लेकिन एक बुरा टीम प्लेयर।
उसके घमंड और गुस्से ने उसका करियर खत्म कर दिया। तुम उसका रुकी कार्ड लेके घूमती हो? वो हमेशा से एक रुकी ही था, इसलिए मैं बहुत भावुक हूँ। तुम्हें तो हॉकी प्लेयर्स पसंद नहीं थे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं हॉकी प्लेयर्स को पसंद नहीं करती, बस मैं उन्हें डेट नहीं करती अभी तक। ओए राजवीर, ओ गधे। हे अंकल जी। कैसे उतर? सोनू। हाय। ओ चिंता ना करो, लल्लू को सब yes. पता है। वैसे आज की गेम के बाद तुम पूरे कनाडा में मशहूर हो गए। मशहूर? सच? हारने के बाद भी? ओ तुम जीतो हारो क्या फर्क है, इससे पहले तो हमारी कोई टीम ही नहीं थी। सुनो, कल तेरे पिताश्री को भी बता देंगे, टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है अंकल, पर आज रात मैं आपके घर रहूंगा, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, याद है? बिल्कुल। आज सोनू के साथ रह लो, ऑटोग्राफ ले लेना। hey, सुन बोल। अगर तेरे नसीब में हुआ तो तुझे अपने टैटूज दिखाऊंगा। और अगर तू बिस्तर नहीं गीला करता ना, मैं भी तुझे बहुत कुछ दिखाऊंगा। क्या कहा? अच्छा अच्छा। निन्यानवे सौ। ओए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओए, ये मलिसा कौन है? और छोड़ो ओए, इधर दे, मलिसा से तेरा क्या लेना देना। हाँ रिलैक्स, तुझे मैच में तो गोल करना आता नहीं, आज की मैं क्या गोल करेगा। और तो और, तू घर वालों को गेम के बारे में तो बता नहीं पाता, बाकी कुछ क्या बताएगा। बस हो गया तेरा? तकरीबन। चल सो जा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सर दर्द है? ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है, बिल्कुल रीना की तरह। तू एक दिन किसी की बहुत अच्छी बीवी बनेगा। सेक्सी बेड, तू कितने सोएगा? मैं तो यही सोऊंगा, तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकते हो, पर मैं सुबह उठते ही शैतान हो जाता हूँ। शैतान, काफी शैतान। लगता है तुझे अपनी नाक से प्यार नहीं। अच्छा, क्या घटिया जोक मारा। हाँ हाथी चीटी से, अरे मेरी मम्मी आ गई, चीटी अरे मेरे पीछे छुप जाओ। चुप हो जा, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। तुझे ये तकिया चाहिए क्या? हाँ। सही ले ले, रीना का डॉगी फूफू है ना, वो भी ये तकिया लेता है। और वो ब्लैंकेट भी मत यूज करना। क्यों? क्योंकि वो मेरा और रीना का पर्सनल ब्लैंकेट है। मुझे ना तेरे ऊपर तरस आ रहा है। ये ले कंबल की जगह, ये ले ले। मैंने तो उसे झूठ बोलना कभी नहीं सिखाया, और सैमी, उसने भी मुझसे ये बात छुपाई। आपने अपने बेटे से वो चीज मांगी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अच्छा तो अब वो झूठ बोल रहा, तो इसमें भी मेरी ही गलती है। मैं ना झूठ तो जॉर्ज बुश भी नहीं बोलता सी जी। क्या किसी के कहने पे आप मुझे प्यार करना छोड़ सकते? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम ये जनानियों वाली तर्क देती हो। तो और कौन से तर्क है मेरे पास? मैंने नहीं पता। और अगर उसे आपसे बात करने में डर लगता है तो आप उससे बात करो, पर प्लीज सिर्फ बात करो, लेक्चर नहीं। ओ यहाँ हो तुम, कैसी रही कल की रात? मेरा मतलब ट्रैफिक कैसा था, कम था ज्यादा था, कैसा था? पापा, मैं कल रात न्यूयॉर्क नहीं गया। ओ तू न्यूयॉर्क नहीं गया, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अरे हाँ, तुम तो हॉकी खेल रहे थे। कितने अफसोस की बात है कि आज तक तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, सिर्फ झूठ। पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? डैडी, आपका बेटा ट्रक ड्राइवर नहीं बनना। मैं भी तुझे ट्रक ड्राइवर नहीं बनाना चाहता। देश बाजे। और तू, तूने भी मुझसे झूठ बोला। माना कि मैं तेरे यहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन हूँ तो तेरा बड़ा भाई। पाजी, गुरवीर आज स्कूल नहीं पहुँचा। क्या? तेरा भाई कहीं नहीं मिल रहा। लवलीन भाभी पुलिस स्टेशन गई है। पाजी, आप स्कूल रूट पे देखिए उसे। राज, तुम घर में देखो से, मैं कुछ कॉल्स करता हूँ जरूरी। जल्दी चलो। गुरवीर, गुरवीर, गुरी, ए गुरी, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। गुरवीर हुआ क्या? मुझे अंदर आने दो।
क्या हुआ, किसने किया ये? मैं अब और ऐसा नहीं दिखना चाहता। गुरवीर इतने आ मेरे को। गुरवीर क्या हो गया? कुछ लड़के हैं वो, हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में, हर रोज। तूने हमें बताया क्यों? स्कूल में मेरा मजाक बनाते हैं, सब छेड़ते हैं क्योंकि मैं अलग दिखता हूँ। तो तुम्हें लगता है बाल काटने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें लगता है इसके बाद लोग तुम्हें पसंद करेंगे? ऐसा नहीं होगा गुरी। तो तुमने क्यों बाल कटवाए? यही सवाल तो मैं खुद से रोज पूछता हूँ। ये मेरी कमजोरी थी और ये बात पापा को पसंद नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा हिम्मतवर हो गुरी, मेरे से तो कहीं ज्यादा। कभी मत भूलना तेरे नाम का मतलब क्या है। गुरु का वीर है ना, और वीर पीछे नहीं हटते। जप्पी पाले शेरा। लव यू पाजी। क्या हुआ कोच? मैंने सुना है कि शायद लीग वाले तुम लोगों को खेलने ना दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम पूरी तरह सुरक्षित नहीं। कुछ समझा नहीं मैं। मतलब वो चाहते हैं सारी टीम हेलमेट पहने और वो इस रूल को लागू कर सकते हैं। एक सेकंड रुको, हमारे पास वो सारे प्रोटेक्शन है जो एक सेक के पास होने चाहिए, हमारे गुरुओं के बताए हुए, हमारे पास हमारी पगड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद ये मुश्किल आ सकती है। कुछ घंटों के लिए हेलमेट पहनने का मतलब ये नहीं कि हमने अपनी इज्जत बेच दी, ठीक है? रहने दो, तुम तो हो ही आधे सिख। ए, एक मिनट सुनो, अब तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। ठीक है, थैंक्स कोच, मिलते हैं। मुझसे ये पूछा करते थे और अब मैं ये तुमसे पूछ रही हूँ, अगर हारने का डर ना हो तो वो क्या चीज़ है जो तुम करना चाहोगे? तुम बोलो। स्काई डाइविंग? क्या? 20,000 फीट पे एक पंछी की तरह उड़ने की आजादी। अब तुम्हारी बारी। अगर मैं कामयाबी से नहीं डरता तो तुम्हें इस प्लेयर के इश्क में पागल कर देता। ठीक है ना सोनिया? ये देखो छाया हुआ है पुत्र अपना। चलिए चलते हैं हमारी संवाददाता रीना सिंह के पास। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप लोग सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएंगे। थैंक यू, अब हमारा एक ही मकसद खत्म हो जाता है। थैंक यू कैप्टन राजवीर सिंह, पीडी सिंह ने इस हुंडई कप में सबको चौंका दिया है। मैं SIN से रीना सिंह। रीना और कुछ बाकी है? थैंक यू सो मच, कल सुबह मिलते हैं, बाय। बहुत अच्छा बोले राज। अच्छा रहा। हे थैंक्स, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ एक सपना सा लगता है। तुम दोनों आज रात को आ रहे हो ना? अगर ज्यादा देर ना लगे तो। नहीं लगेगी क्योंकि कल मुझे टोरंटो की बंद सड़कें कवर करनी है। तो रात को क्या पहनने वाली हो रीना? पता नहीं, शायद कुछ होगा। हे तुम कहाँ चली? आज गर्ल्स नाइट है। अच्छा रीना की बैचलर पार्टी में जा रही हो, काफी मजा आने वाला है। ओए ग्रेट्स की औलाद। सॉरी एक मिनट, तुझे क्या लगता है आज रात रीना कोई गड़बड़ करेगी क्या? फिकर नॉट पाजी, रीना के आसपास तो पैसे वाले पप्पूस तो घूमते ही रहते हैं। तभी तो मैं। तू इतनी फिक्र क्यों करता है? नहीं। हाँ देखा जाए तो फिक्र करनी चाहिए। अच्छा एक आइडिया आया, रीना की पार्टी में हम सब उनको सरप्राइज देते हैं, तू रीना पर नजर भी रख लेना। सही है, चलते हैं वहाँ।
ठीक है लल्लू। सब चीजों के नाम जो मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, आजादी, आवारागर्दी और अय्याशी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं क्या पा रहा हूं ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फोन करके खुद। तो ये लो पैक उठाओ। चीयर्स। hey, one second. मुझे कुछ क्यों मजा खराब कर रहे हो यार? सोनू तुझे पता है तू बहुत लकी है। थैंक यू। रीना कितनी सोनी है, स्मार्ट है, बिल्कुल केयरिंग है, और उसे ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। इससे पहले कोई अच्छा दूल्हा मिलता तेरी लॉटरी निकल जाती। तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी तो नहीं Cheers, है पर बॉयज। चल लड़कियों को सरप्राइज दे। फिलहाल हमें वो हैरान कर रही है। हैरान तो उसे आज मैं करूंगा, इस मोटे की परवाह बिल्कुल नहीं है मुझे। चलो एक एक और। हाँ एक और हो जाए। हे ड्रेक, एक्सक्यूज मी, एक फेवर करो ना यार प्लीज। वो इंडियन गर्ल मेरी कजन है, उसकी शादी हुई। वो आपकी सबसे बड़ी फैन है, अगर आप उसके लिए कुछ गा दे तो उसकी लाइफ बन जाएगी। उसके लिए ये बेस्ट वेडिंग गिफ्ट होगा। थैंक्स। I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights we've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right. I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this is what I'ma do till it's over. Till it's over. It's far from over. All right. तुमने ही रखी है। पीने से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो हमेशा तुम्हारे प्यार में टूट जाता हूँ। hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो कल मैच है। जीतना तो हमें ही है। आओ जानेमन डांस करते हैं। क्या कर रहा है टिंगू पीछे? ये तुम्हारे पिताजी हैं क्या? तुम लोगों की वजह से दारू बदनाम हो जाती है। तेरे जैसों की वजह से चंद बदनाम हो जाता है ठीक है? एक मिनट। हाय। तुमने शायद मुझे हॉकी रिंग में देखा ही होगा। हाँ बदकिस्मती से। तो मेरी पक्की तो नहीं लेकिन टाइम पास गर्लफ्रेंड बन सकती हो। शांति रख बेटा शांति। अरे कोई टैक्सी बुलाओ यार, ये शराबी हो गया। क्या सुंदर चेहरा है तुम्हारा। हे पंगा क्या है? तुम डांस करोगे चिकने? हे चला जा लगा उसे। ए चल जा यहां से, तू मेरे टाइप का नहीं है। चल भाग। ये ले ले। अच्छा करो यार। अरे क्या हो रहा यार ये? उस गोरे का सर पत्थर जैसा था यार। ये गोरे छाती में दांत क्यों मारते हैं? सिर तो क्या ये क्या कर रहा है? हल्का हो रहा हूं। पर ये टॉयलेट नहीं है। तुम क्या पेशाब पुलिस हो? अपने इंडियन भाई। ए पाजी पहचाना मुझे? हमारे मम्मी पापा बचपन में इंडिया में साथ खेलते थे। पंजाब, दिल्ली, ब्रैम्पटन, मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला, तिजुआना,
भिजवाना खिजवाना इराना पिराना। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो बस तुम्हारे रंग से अंदाजा लगा रहा था। रंग मैंने थोड़ी बनाया तुम्हारा, अब क्या करोगे दोबारा जेल में डालोगे? कोई इसके मुंह पे टेप लगाओ यार, रीना के लिए, मेरा मतलब भगवान के लिए। माँ मेरा सर फटा यार, गलती से मैंने भी दो चार ठोक दिया था तुम्हें। गधे, मैं भी दिन दो चार लाई है तो ये थे। मैं समझ सकता हूँ। ओए मुबारक हो राज, सैम सर का बिजनेस तुम्हारा हुआ। सब तेरा ही है, मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैं क्या झक मारने के लिए लड़ रहा था? तू ही जाने, मुझे पहले ही उस ऑफिस वाले लड़के के पीछे पड़ना चाहिए था। क्या नाम है उसका? सुख दीप। हमेशा केक लेके आता रहेगा और पूछेगा तुम्हें कौन सा केक चाहिए, चॉकलेट केक, वेनिला केक, फ्रूट केक, एगलेस केक, मिल्क केक, ये केक, वो केक, तुम्हारा केक, मेरा केक, इसका केक, उसका केक। मेरे पेशाब जाने का हिसाब भी रख, वो एकदम बेकार है। चलो हमारे कुछ ख्याल मिले तो सही। कुछ कुछ किसने सोचा था? हाँ, दो दिन बाद मेरी शादी और मैं जेल में, वो भी तुम्हारे साथ। रीना मुझे मार डालेगी। ना, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, पता नहीं क्यों, पर तू वही सोनू बन जा जिससे उसने प्यार किया था, ठीक है? उसने मेरा प्रोफाइल देखा था chaddi.com पे। शिट। पता है, यहाँ हम दोनों के बीच की दूरियां कम हुई हैं। क्यों राजवीर, तुम्हारा क्या ख्याल है बोलो? हाँ, अगली बार ड्राइविंग स्केड्यूल में उंगली मत करना। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तू सुनो दोस्तों, मैंने ऑफिसर से बात कर ली है, तुम जा सकते हो। चलो सुन, अच्छा तू सचमुच रीना से प्यार करता है? देख अगर तूने उसे कभी भी हर्ट किया तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और काट दूंगा। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको, तुम्हें अभी भी लगता तुम्हारा कोई चांस है? बदमाश। पता नहीं, आज तक हमारे खानदान में किसी ने जेल की शक्ल तक नहीं देखी थी। चिल आउट डैड, सिर्फ पुलिस स्टेशन ही गया था। ओह, तो ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है। मैं सोने जा रहा हूँ। जरूर जाओ, और याद रखना, यहाँ तुम सो रहे होगे, वहां वो गधा सोनू मेहनत कर रहा होगा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए। क्यों दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना रहे हो? सारे कैनेडा से साडा जुलूस कर देता। पता है पापा, इस घर में मुझे वो समझा जाता है जो मैं नहीं हूं, और बाहर जो मैं हूं। और जहां तक आपका तमाशा बनने का सवाल है, मैं साले स्पीडी सिंह्स का कैप्टन हूं, समझे ना? से बात करो। एक मिनट, एक बात जान लो, तुम होगे कैप्टन किसी स्पीडी सिंह्स के, पर इस घर का कैप्टन मैं हूं। घर का कैप्टन? अच्छा मजाक है। मजाक नहीं, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं कहूंगा। अगर नहीं करूं तो? कितना टीट है, तो इस घर से निकल जाओ। मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था राज। और जान दे ओनू, आई एम नेवर एवर एवर ड्रिंकिंग अगेन। यार ये मेरा दर्द कब जाएगा? अरे यार मुझे क्या पता। और ये देखो उसके दांतों के निशान, ये तो बहुत बुरा हुआ। कितना गहरा तेरा जख्म? बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों ने जो किया उससे। ये नाच गाना, ये दारू, ये झगड़ा, और एक हवालात की कमी थी वो भी तुमने पूरी कर दी। पर अगली बार मेरी बहन को सबसे दूर रखना। कोच मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी लॉकर रूम से बाहर निकलो, चलो। कहा था ना इनको भी बुला लो पार्टी में। कोच, I'm sorry। कल रात जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। गुड, अच्छा लगा सुन। तो सब फिट है ना? तो ये लगता है सब फिट है। तुम इसके हकदार नहीं हो। ये तुम नहीं कर सकते। मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैं नहीं खेलूंगा। हम ये गेम जीतेंगे और फाइनल में जाएंगे। हम दोनों जानते हैं कि ये मेरे बिना नामुमकिन है। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। याद रखना, एक बार तुम गए तो गए। Thank you.
बकवास सफाई है। तुम मुझसे मुंह फेर सकते हो पर अपने आप से क्या कहोगे? किस बात की सफाई देनी है मुझे? तुम्हें बचाने की? मुझे बचाने की? तुम अपनी ईगो बचा रहे थे। सिर्फ इतना बोलो जिसकी तुम्हें समझ हो। ठीक है, हॉकी की बात करते हैं। डैन ने तुमसे कप्तानी ले ली इसलिए? मैंने टीम छोड़ी क्योंकि मुझे बर्फ की साफ सफाई करने वाले की और नहीं सुननी। अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ बड़े आदमी, तुम यहाँ आओ और वो अभी बेंच के पीछे। और याद रखना मैं छोड़ने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस इसी की कमी थी। Hey, coach, sorry. मैं अब तुम्हारा कोच नहीं। I'm sorry. देखो मुझसे गलती हो गई। मुझे टीम के लिए खेलना चाहिए था। रुको, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं खेलोगे तो स्पीडी सिंह्स हार जाएंगे? Well, तुम गलत हो। वो जीत गए। हम जीते? हाँ, 4-3 ओवरटाइम में हम फाइनल में पहुंच गए, वो भी तुम्हारे बिना। That's great. मुझे विश्वास नहीं। हाँ, बस गेम के बाद हैमरहेड्स ने कंप्लेंट दर्ज कर दी कि सिंग्स बिना हेलमेट के नहीं खेल सकते। उन्होंने अब तक कुछ क्यों नहीं? मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा कि तुम लोग यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। वो लोग हेलमेट्स के लिए अपनी पगड़ी कभी नहीं उतारे, इसलिए अब कोई फायदा नहीं। आशीर्वाद देता अपना, याद रखी समझे? देख ए गोल्डन टेंपल है, मैं तेन लेके भी जाना। अक्षय कुमार, अगले साल मैं तेरी तेन तेरी मां लेके जाना उथे। पर एक पग साडी रखिया किवें कर सकदी है? मैं तेनू दसना किवें कर सकती है। देख ऐ पग साडे सर दा ताज है काका, साडी रूहानी ताकत है। वैसे इतिहास गवाह है पुत्र कि जिसने भी सानू बुरी नजर डाली ते उसका बेड़ा गर्क हो गया। इस पग की मेहर सदका सिखां ने किन्नियां लड़ाइयां दे विच फैसला किया, तेनू पता? और डैडी ये कौन है? ऐ साडे ग्रेट एम्परर महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें दुनिया नूं दसता सी कि दसम पातशाह ने सानू चिड़िया तो बाज बनाता। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। और मेरा शेर पत्तर, मेरा शेर पत्तर। कट कर ओए, दैट्स अ कट। सारे आदमी बहुत बढ़िया चल रही है। आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव। कैन आई हैव एन ऑटोग्राफ प्लीज? श्योर, थैंक यू। नेम? दरवेश। Darvesh. It's for my father. Father? It's interesting. Rajveer Singh, Bhai Sahib ki de kaptan, tanu pehle bhi dassya si. Ji haan. Are, nice meeting you. Speedy Singh. Yes, that's right. Ah, yeah, that's an honor meeting you. I wish that was true. But I'm working. Well, I wish I could come and watch your finals. Me too. Nevertheless, good luck. And if you win, the party's on me. Thank you. शायद ये काम कर जाए लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम एक हफ्ते में करवा लोगे? हाँ बिल्कुल। ये पैसे कहाँ से आए? ट्रकिंग, ट्रक चलाने से। आखिर लीग वालों को हमारी पगड़ी पहनने से दिक्कत क्या है? बता। क्या कह रहे हैं यार? ओके, हम सब यहाँ हैं। बताओ क्या बताना चाहती थी? मुझे लगता है बेटर होगा अगर राज आप सबको बताए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारी टीम मीटिंग है। पहली बात यारों, मैनू माफ कर दो।
तुम सब इस चैंपियनशिप के हकदार, मुझसे कहीं ज्यादा। मित्रा यह नहीं होने लगा, असी तो पगा उतारने नहीं, साडा तो भोग पै गया, कहानी खत्म। सुना मैंने, पर इस टीम का हौसला देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोच, मुझे इस टीम का कैप्टन बनने का हक नहीं। क्या सिर्फ यही कहने आए थे? नहीं, ये देखो। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? सदियों पहले गुरुओं ने ये लड़ाइयों में पहना था। अब तुम सब हमारी मान और इज्जत बचाओगे। बस इस बार लड़ाई बर्फ पर। सुनो, एक मिनट, ऑफिशियल्स इसे पहनने की मंजूरी नहीं देंगे। वैसे तुम्हारी बहन ने उनको बता दिया है इसे कैसे पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इजाजत दें, सिविल कोड पार्ट 1 सेक्शन 8 के मुताबिक मेरे क्लाइंट्स को जबरदस्ती अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा। ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। बात तो सही है। गुड पॉइंट। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। ये काम कर चुका है और राज ने ये सब अपनी सेविंग से पे किया है। और तुम सब मुझे ये लौटा सकते हो हैमरहेड्स को हराकर। गुड लक। कम ऑन कोच, प्लीज। दोस्तों, मैंने इसे कहा था कि अगर इसने छोड़ा तो ये गया, और मैं अपने शब्दों का पक्का। बेशक मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता, दिमाग खराब हो गया उसका। सोनू आ गया है, उससे बात कर। सोनू, अच्छा होगा अगर अपनी दुल्हन से बात करो। क्यों, क्या हुआ? बस जाओ, वो अपने कमरे में है। ठीक है। Excuse me. रीना, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैं ये शादी कर पाऊंगी कि नहीं। तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मुझे बस ये लगता है कि तुम कितने मतलबी हो जाते हो कभी कभी, सब कुछ अपने तरीके से सोचते हो। सब कुछ नहीं। तुम मेरी पार्टी में आए और तुमने पी ली, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें पचती नहीं। वो एक पार्टी थी। तुम मुझे न्यूज में भी कभी नहीं देखते। मैं तुम्हें हर समय देखता हूँ। मैंने थर्सडे को क्या पहना था? पर्पल ग्रीन सी ग्रीन। नहीं, रेड सिल्क ब्लाउज बेल बॉटम जींस में टक किया। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब, मैं न्यूज रिकॉर्ड करता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? देखो रीना, मैंने ऐसा कभी किसी के बारे में महसूस नहीं किया। रीना, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं है। कोशिश करूंगा कि अपने बारे में ना सोचूं। मैं थोड़ा कमीना हूं, पर वो मेरा उस पर कोई बस नहीं। मुझे पता अगर मुझे कोई बेहतर बना सकता तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम बाहर तो आई। सॉरी, मैं अपना हाथी नो पार्किंग में छोड़ के आया हूँ, कहीं उसका चालान ना कट जाए। इसे बटन बंद करना तो सिखा दो। प्लीज शांत हो जाइए, वो आ जाएगा। मैं शांत हूँ? आप शांत नहीं हैं।
पंजाबी पुत्र राजवीर सिंह स्वागत है, अब घर आ जाओ। चलो 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 जींदर, चलो फेरों का वक्त हो गया है। भाई और बहनों, आज का दिन कोई मामूली नहीं, इसलिए नहीं कि मेरी शादी मेरी सुंदर बीवी से हो रही है, बल्कि इसलिए कि हमारी रिसेप्शन एक हॉकी मैच में होगी, जिसमें मेरा भाई राजवीर खेलेगा और मेरी बीवी रिपोर्टिंग करेगी। गो स्पीडी सिंह्स, माथा टेक के जाओ और जीत के आओ। बोले पागलपन है ये लोग एक हॉकी मैच के लिए शादी का फंक्शन खराब कर रहे हैं, बेवकूफी है ये। हाथ दीजिए। और तुम कहीं नहीं जा रहे हो? ये चैंपियनशिप के लिए है पापा, और मैं खेल रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। नहीं, तुम जाओ, आज का दिन शुभ है, मैं यहीं रहूंगा। जिंदगी अचंभों से भरी पड़ी है, नहीं? मुझे अचंभे पसंद नहीं। आपके बेटे में कुछ बात है, आपको उसे खेलते हुए देखना चाहिए, शायद आपका मन बदल जाए। शादी में आए हैं या हॉकी का मैच देखने के लिए, ये अब तक की हॉकी देखने वाली सबसे ज्यादा पंजाबी जनता होगी। अब वक्त आ गया है हुंडई कप के फाइनल मैच का, अंडरडॉग स्पीडी सिंह्स वर्सेस फेवरेट्स हैमरहेड्स। स्पीडी सिंह्स की परफॉर्मेंस ने कनाडा वासियों के दिल जीत लिए हैं। मैं एसआईएन की तरफ से रीना सिंह, और मेरी अभी अभी शादी हुई है। तुम लोग सच में योद्धा लग रहे हो। शुक्रिया मिस्टर सिंह। थैंक यू कोच। राजा राज, मैं ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाता। कुछ कहने लोड नहीं, कुछ बातें अनकही रह जाएं तो अच्छा है। पीडी सिंह ने जंगी सिख योद्धाओं वाला हेलमेट पहन रखा है, वो लड़ाई के लिए तैयार शूरवीरों के जैसे दिख रहे हैं। देगा जगरगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज पता लगेगा कि राजवीर सिंह की कुछ दम भी है या भूख ही भरी हुई है। We see the rise, the tumor strong.
बॉयज वक्त आ गया, तीन पर, एक दो तीन से। बाल्टी अच्छी पहनी है सर। राजवीर सिंह को पक्ष से दूर कर दिया गया है, हैमर है सेफ जोन में, उसको डाल चुके हैं। आओ जी बैठो। चचली पॉइंट पे फोर शॉट ले रहे हैं, इंद्रजीत ने बचाया, मॉडर्न रीबाउंड और उन्होंने स्कोर किया। अजय तो यार शुरुआत ही है। खेल के एक मिनट बाद हैमर हैक्स 1-0 से आगे। और तक बढ़िया था सिंह फसल लगे ने। पहले राउंड में 3 से ज्यादा मिनट बचे हैं और हैमर हैक्स अभी भी आगे 1-0 के स्कोर पे। स्पीडी सिंह ने हैमर हैक्स जोन में उसको डाला, कोने में पक्को खोया, राजवीर को बेचारा बच्चा चोट लगी क्या? ए निकलो यहाँ से। नाक से पकड़ के थप्पड़ मारू ऐसे रेफरी के, बंदर की औलाद। ओ ये तो ठीक नहीं होया, उसे वापस बेंच पे ले जाने के लिए मदद चाहिए। काफी लगी होगी, ऐसा है ये इसे बाहर ना बिठाए, इन्हें इसके हुनर की बहुत जरूरत पड़ेगी दिक्कत हैमर हेड्स टीम के खिलाफ। हमें बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ पे। निकू जाओ और जाकर कबड्डी खेलो उनके साथ, समझ गए? अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे एक भी चीज गलत दिखी तो मैं खुद आऊंगा इस पर तुम्हें निकालने के लिए। हुँ? अगर मुझे पकड़ पाए तो। अभी भी एक गोल की लीड में, रफ्तार और गर्म हो रही है, पीरियड के सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बाउंड्री पर बहुत जोर से बच्चा, पीडी सिंह ने अपनी लाइन बदली, राजवीर सिंह ने लाइन से उठाई, हैमर हेड जोन में डाली और ये डिफेंडर को बाहर किया। वो गोल मार सकता है लेकिन उसने जस्ट सिंह को पास किया और ये गोल किया है। गुड, वेरी गुड। हम तीसरे पीरियड की शुरुआत कर रहे हैं, गोल पे सब एकजुट। दोस्तों अब खेल और भी रोमांचक हो गया है। हैमर हेड की जोन में डाली और उन्होंने इसे खो दिया है। जस्ट ने वापस सेंटर आई से डाली, राजवीर ने पास चुराया और वापस हैमर हेड के ब्लू लाइन के ऊपर से डाल दिया है। अब तक उसके पास है विपक्षी को घुमाते हुए, छकाते हुए, पास देते हुए और ये गोल कर दिया है। पहली बार गेम में स्पीडी सिंह 2-1 से आगे, पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई है। हैमर हेड ने संभाला, 1 मिनट बचा है गेम में और वो जा रहा है हैमर हेड का गोली बाहर और उसकी जगह आ रहा है एक नया अटैकर। कमल के कोने से उठाते हुए, पक्को पास करते हुए, एक पॉइंट पे उधर देते हुए, ये कठिन स्लैप शॉट है और ओ इंद्रजीत सिंह ने क्या बचाया के पास और वो बर्फ पे शुरू करते हैं अपनी गेम, धकेलते हुए देवा सिंह के पास जो खुली नेट पे शॉट देते हैं। देखने में सब सही दोस्तों, ये सिंह की जीत तो पक्की कर सकता है। यस यस यस, ओ पर पास कर ले, बेहतर प्रदर्शन नहीं दिया है। पास अब लीवियो के पास, मार्टिन के पास, सिंह के बीच अभी तक जख्मी की तैयारी, उनको पीछे जाना चाहिए लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। मार्टिन एक तरह खेला, उसे मारा और इसी के साथ समय समाप्त हो, दोनों टीमें बराबरी पर। अब हम ओवर टाइम पे हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है, जीत सिंह की मुट्ठी में थी। अब एक्स्ट्रा टाइम में जो टीम भी पहला गोल करेगी वो होगी विजेता, उनका ही कप थी। ओके ठीक है चलो देख लेंगे। सुनो मेरी बात, सारी जिंदगी मैंने सिर्फ ये जाना है कि जीतना ही सब कुछ होता है और हम ये कर सकते हैं आज यहाँ इसी वक्त, पर तुम लोग इससे कुछ ज्यादा कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था तुम लोगों को जानने से पहले। आज रात तुम पूरे देश को दिखा सकते हो कि तुम यहां के हो। हाँ मैं जानता हूं कि तुम अलग दिखते हो, पर अगर तुम वहां जाकर वो कर दोगे जो मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो तो बस ये साफ हो जाएगा कि तुम चैंपियंस हो, वो नहीं। टीम फॉर सिंग्स, एक दो तीन सिंग्स। अब एक्स्ट्रा टाइम
मैच शुरू होगा। दोनों टीमों का जोश पूरे उफान पर। जो भी टीम अगला गोल करके स्कोर करेगी वो इस साल की मुंबई कप चैंपियन होगी। जीतने के सपने देखना खत्म हमेशा के लिए। आज फैसला हो जाएगा। और खेल फिर से शुरू। दोनों टीमों ने पाले बदल लिए हैं। हमर हैंड पक को लेकर सिंह के पाले में घुसते हुए बटन आगे बढ़ते हुए कॉर्नर से पक को उठाया। राजवीर सिंह का बेहतरीन इंटरवेंशन और पक वापस बाहर। पक अभी भी मर्डर के कब्जे में। उन्होंने लिबियो को पास किया, दोबारा मर्डर को पास मिला, मर्डर ने बसल को पास किया, पक बेसल के पास, चचरी को पास किया और चचरी का अटेम्प्ट। व्हाट अ सेव बाय इंदरजीत सिंह। पक दोबारा बसल के पास, एक और अटेम्प्ट और फिर से गोल हो गया। क्या बात है, इंदरजीत सिंह ने राजवीर सिंह को पास किया है। मर्डर और चचरी के बीच से सरक गए हैं राजवीर सिंह। क्या बात है, शानदार खेल, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। ये क्या, राजवीर सिंह ब्रेकअवे पर है। मुकाबला सिर्फ धोनी और राजवीर सिंह के बीच। आपने मुझे कभी खेलते हुए देखा? मैं देखना भी नहीं चाहता। तो इसके हकदार नहीं। और याद रखना, मैं छोड़ने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन तू मेरा सर ऊंचा करेगा पुत्र। वो पक्को लेफ्ट पे जा रहा है, अब राइट पे जा रहा है। गोली के स्केल से भी जोर जोर मारा। तुम्हें कुछ खास है। सॉरी कोच। जाओ अपने टैक्स में। मुझे पता है ये हमारे लिए आसान नहीं था, पर आज तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका सर ऊंचा कर दिया है। मैं गलत था। गुरवीर ने मुझे बताया कि तुमने उसे कैसे समझाया। तुम एक अच्छे भाई ही नहीं, एक अच्छे बेटे भी हो। मुझे खुशी है तुमने अपना सपना पूरा किया। हम दोनों बहुत अलग नहीं है, तुम और मैं। I love you too, papa. आप कब आए? ओ खुश किया चेहरा। हे पाजी, चक दे चाचू। तो कैसा लग रहा है? सच बताऊं, इट फील्स ग्रेट। चलो तुम्हारे प्यार के लिए हॉकी छोड़ू। मैं तुमसे कभी वो चीज छोड़ने के लिए नहीं कहूंगी जिसे तुम प्यार करते हो। और तुम्हें तो पता है ना, मैं छोड़ने वालों को पसंद नहीं करती चैंप। आओ सोने।
growing up, we had to strive to be the best. Always strive for success, and second place is not an option. That's what we were told. So no matter what came up in my life, I got through it. That was my motivation. And now nothing can stop us. We will never lose, never fear, overcome all and persevere. We the best and we down to show it. Any place, anything, we will overthrow it. We will never lose, never fear, overcome all and persevere. We the best and we down to show it. Down to show it. Come down, always stay focused, superstar bound. Always was the dopest, never got weak. Head to the sky, but my ear to the street. Foot on the gas, hands on the wheel. Cat on my lap, cause I'm going for the kill. Drink for the nerves, smoke for the stress. But death to the haters and the hell.